लॉकडाउन का चौथा चरण लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा। दोस्तों स्वागत है इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन 3.0 समाप्त हो गया है और नया लॉकडाउन 4.0 पूरे भारत देश में 18 मई से लागू कर दिया गया है। वहीं इस लॉकडाउन 4.0 में काफी सारी चीजों में बदलाव किया गया है और बड़ी बड़ी घोषणाएं भी की गई है और सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए का बजट आम जनता के लिए भी पेश किया है, जिससे सभी गरीब के खाते में 5,000 रुपए देने की भी मोदी सरकार ने घोषणा की है। तो अगर आपको चाहिए 5,000 रुपए तो मैं आपको बताऊंगा इसका लाभ आप कैसे उठा सकते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि बिना राशन कार्ड वाले 8 करोड़ लोगों को मिलेगा मुफ्त में राशन। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि आधार को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है, अब आप इस लॉकडाउन में भी बनवा सकते हैं अपना आधार कार्ड, या कुछ गड़बड़ी है तो घर बैठे इसकी सुधार भी कर सकते हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि ट्रेन को लेकर भी बहुत बड़ी घोषणाएं की गई है। टिकट बुक करने से पहले जान लेना आपके लिए बेहद ही जरूरी है कि कौन कौन सी ट्रेनों को संचालन किया जाएगा और कौन कौन सी ट्रेनों को संचालन नहीं किया जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि अगर आपको भी नहीं मिला है पीएम किसान स्कीम का फायदा तो ये खबर जान लेना आपके लिए बेहद ही जरूरी है, क्योंकि अब आपको भी मिल सकता है 2,000 रुपए 10 दिन के अंदर। सरकार ने की बड़ी घोषणा। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप भी ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो अब आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अब आप कोई भी सामान ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। लेकिन ये किन किन जगहों पर चालू किया गया है ये खबर आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि कुछ ही जगहों पर इसका छूट दिया गया है। वहीं दोस्तों बिजली बिल को लेकर बड़ी घोषणाएं की गई है। इस राज्य के मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान, लॉकडाउन के कारण होगा अब तक का बिजली बिल माफ। तो दोस्तों जानेंगे इन सभी बड़ी खबरों को, लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर लें और बगल के घंटी को जरूर दबाएं। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए जान लेते हैं कि देश भर में कोरोना का ताजा अपडेट क्या है। दोस्तों आपको बता दें कि देश में कुल पॉजिटिव मामले 96,169 हो गए हैं, जिनमें से 56,336 लोग अभी भी संक्रमित हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि अब तक 3,029 लोगों की मौतें हो गई है। तो दोस्तों सबसे बड़ी खबर में आपको बता दें कि लॉकडाउन 4 में पूरे देश को 5 जोन में बांटा जाएगा। जानिए क्या है बफर और कंटेनमेंट जोन। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन 3 की अवधि आज समाप्त हो रही है। अब केंद्र सरकार ने देश में लॉकडाउन 4 को 31 मई तक बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई गाइडलाइंस में निर्देश दिया गया है कि हॉटस्पॉट वाले इलाकों में सख्ती जारी रहेगी। वहीं दूसरी ओर अब लॉकडाउन 4.0 में 3 की जगह 5 जोन होंगे, यानी कि पहले रेड ग्रीन और ऑरेंज जोन ही थे, लेकिन अब दोस्तों आपको बता दें कि सरकार ने 2 नए जोन बफर और कंटेनमेंट जोन बनाए हैं। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक सेवाओं की अनुमति होगी। जिन क्षेत्रों में रुक रुक कर कोरोना के केस आ रहे हैं उन्हें बफर जोन में चिन्हित किया जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि बिना राशन कार्ड वाले 8 करोड़ लोगों को मिलेगा मुफ्त राशन, सरकार ने किया इंतजाम। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना संकट और लॉकडाउन के चलते सैकड़ों प्रवासी मजदूर मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। इस बीच सरकार ने फैसला किया है कि बिना राशन कार्ड वाले 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को बिना राशन कार्ड के अगले 15 दिन तक मुफ्त में राशन बांटा जाएगा। इसकी घोषणा खुद खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने की है। पासवान के मुताबिक विभिन्न राज्यों में फंसे 8 करोड़ प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त अनाज वितरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पासवान के मुताबिक ऐसे प्रवासी मजदूर जिनके पास न तो केंद्र का राशन कार्ड है और न ही राज्य का राशन कार्ड है, उन्हें इसका सीधा फायदा। पासवान ने बताया कि राज्यों को तत्काल गोदामों में अनाज और चना उठाकर बंटवाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। खाद्य मंत्रालय के मुताबिक सरकार के इस कदम से उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों के मजदूरों के सबसे ज्यादा फायदा होगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में जो लॉकडाउन जारी किया गया है उसमें आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में लॉकडाउन 4 के दौरान नाई की दुकान, सैलून बंद रहेंगे, जबकि सभी दिल्लीवासी शाम 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक घरों में रहेंगे। हालांकि इस दौरान जरूरी सामान की सप्लाई में शामिल लोगों की आवाजाही रहेगी। दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन 4 के दौरान टैक्सी और कैब चलाने की अनुमति दी है। हालांकि टैक्सी समेत 4 पहिया वाहन में केवल 2 यात्रियों को बैठने की अनुमति होगी। जी हां आपको बता दें कि अगर आपको आधार कार्ड में अपडेट कराना हो तो इसके लिए आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बता दें कि लॉकडाउन की वजह से इन सेंटर को बंद किया गया था, जिसके चलते कई लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अब आधार कार्ड जारी और इससे जुड़ी सेवाओं का संचालन करने वाली अथॉरिटी UIDAI ने कहा है कि देश में जल्द ही आधार सर्विसेज को शुरू करने जा रही है
और जितने भी लोग अपना आधार कार्ड अपडेट करना चाहते हैं अब मोबाइल से ही कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि लॉकडाउन 4 में चलेंगी केवल ये ट्रेन है, टिकट बुक करने से पहले जान ले नया नियम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने लॉकडाउन के चौथे चरण के दौरान श्रमिक स्पेशल और अन्य विशेष रेलगाड़ियों, पार्सल सेवाएं और मालगाड़ियों का संचालन शुरू रहेगा। सरकार ने चौथे चरण में लॉकडाउन 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। तो अगर आप टिकट बुक करना चाहते हैं तो समय सीमा आप देख लें, उसके बाद ही कोई भी टिकट बुक करें। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि इस वजह से पीएम किसान स्कीम में नहीं मिले लाखों किसानों को 2000 रुपए, इस काम से बन जाएंगी बात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 6 मई तक 8.19 करोड़ पीएम किसान लाभार्थियों को 2000 रुपए की किस्त मिल गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज से जुड़ी पांचवे और अंतिम चरण यह जानकारी दी है। योजना शुरू करने के बाद आपको बता दें कि अब तक किसानों को 2000 रुपए की किस्त 5 किस्तें भेजी जा चुकी है। तो दोस्तों अगर आपको भी अभी तक 2000 रुपए नहीं मिले हैं तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने नए वित्त वर्ष में किसानों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नया वित्तीय वर्ष में शुरू हो चुका है, इसलिए अब नई सूची जारी किया जाएगा और जितने भी लोगों को 2000 रुपए नहीं मिला है उनको जल्द से जल्द उनके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इसमें कुछ शर्तें हैं जो आपको जान लेना बेहद ही जरूरी है। जहां पे आपको बता दें कि आधार कार्ड पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले किसानों को आधार कार्ड देना अनिवार्य होगा। आधार कार्ड नहीं देने पर आप इस स्कीम का लाभ नहीं उठा पाएंगे। वहीं आपको बता दें कि बैंक अकाउंट नंबर किस्त पाने के लिए आपके पास बैंक अकाउंट नंबर होना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि सरकार डीबीटी के जरिए किसानों को पैसे ट्रांसफर करती है। आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना बेहद ही जरूरी है। अगर आपका आधार कार्ड लिंक बैंक से नहीं है तो जल्द से जल्द करा लें, नहीं तो आपको 2000 रुपए नहीं मिलेगा। अगर आप करा लेते हैं तो आपको 15 दिनों के अंदर ये जो नया सूची जारी किया जा रहा है उसमें आपको सभी लोगों को 2000 रुपए मोदी सरकार दे रही है। दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि अगर आप भी ऑनलाइन किसी भी चीज की खरीदारी करते हैं तो आपके लिए बेहद ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब आप ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं। आपको बता दें कि 18 मई से शुरू हुई लॉकडाउन 4.0 में ई कॉमर्स को और बड़ी राहत दी गई है। और आपको बता दें कि अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसे ई कॉमर्स कंपनियां से भी टीवी, फ्रिज और एसी जैसे सामान ऑर्डर कर सकते हैं। बता दें कि लॉकडाउन 3 में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स की बिक्री पर तीनों जोन में पाबंदी थी, लेकिन अब आपको सभी चीजें अब मिलना शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है इन सभी बड़ी खबरों को आप समझ गए होंगे। तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय।